अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस अनमोल नासिर कुरैशी, वेलकम टू इंग्लिश विद अनमोल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी गोना डिस्कस आवर लेसन नंबर 6 ऑफ इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लिंग्विस्टिक स्कूल्स ऑफ थॉट। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लिंग्विस्टिक स्कूल्स ऑफ थॉट कहाँ किसे जाता है, और इसके अलावा जितने भी हमारे पास फेमस स्कूल्स ऑफ थॉट आ चुके हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। हियर वी हैव द कॉन्टेंट लिस्ट: अर्ली ग्रामेरियंस, हिस्टोरिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, जनरेटिविज्म, फंक्शनलिज्म, एंड एट द एंड वी हैव कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स। सो लेट्स बिगिन। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज लिंग्विस्टिक स्कूल्स ऑफ थॉट। लिंग्विस्टिक स्कूल्स ऑफ थॉट है क्या? अब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कूल्स ऑफ थॉट किसे कहा जाता है। जब एक ग्रुप जो होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, उनके पास शेयर्ड आइडियाज़ हों, ओपिनियंस हों किसी के बारे में भी, तो वो एक स्कूल फॉर्म करते हैं, ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट होता है। अब हम यहाँ पे बात करें लिंग्विस्टिक स्कूल्स ऑफ थॉट। अब इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ लोगों का क्या बिलीव है, क्या ओपिनियंस, आइडियाज़ या फिर कॉन्सेप्ट्स हैं लिंग्विस्टिक्स को लेके, ठीक है। लिंग्विस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में बेसिकली हम लोग डिफरेंट थियोरेटिकल अप्रोचेस को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पैराडाइम्स को डिस्कस कर रहे होते हैं लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में ही रहते हुए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्कूल्स ऑफ थॉट पढ़ रहे हैं। अब लिंग्विस्टिक्स क्या है वो हम लोग ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जिसकी हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी। लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, यूजेज, इवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो जो हमारे पास लिंग्विस्टिक स्कूल्स ऑफ थॉट हैं वो भी यही डिस्कस करता है कि डिफरेंट लोगों का एक लैंग्वेज के स्ट्रक्चर, यूजेज या फिर इवोल्यूशन को लेके उनके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ या फिर ओपिनियंस रखते हैं उसके बारे में। तो लिंग्विस्टिक स्कूल्स ऑफ थॉट की बात की जाए तो काफ़ी सारे सालों से डिफरेंट लिंग्विस्ट ने डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट दिए हैं, डिफरेंट थेरीज दिए हैं, ठीक है, लैंग्वेज के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस करते हुए। सो द वेरी फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्कूल ऑफ थॉट इज़ अर्ली ग्रामेरियंस, ठीक है। अब अर्ली ग्रामेरियंस कौन है? यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है ग्रामेरियंस की, जो ग्रामर पे वर्क करते हैं, किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर पे वर्क करते हैं। हमारे पास सबसे पहले पनीनी, ठीक है, पनीनी जिनको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि फादर ऑफ एंशंट लिंग्विस्टिक्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इंडिया में पनीनी ने 5th century में ग्रामर पे काम किया और 3,959 रूल्स दिए थे संस्कृत मॉर्फोलॉजी के, ठीक है। उन्होंने मॉर्फोलॉजी पे काम किया। मॉर्फोलॉजी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, कि वर्ड्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो पनीनी ने इस पे काम किया कि संस्कृत वर्ड्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन किस तरह हो रही है, उससे रिलेटेड उन्होंने 3,959 रूल्स दिए। फिर पनीनी ने एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन दी साउंड्स की, ठीक है। संस्कृत को उन्होंने डिवाइड किया कॉन्सनेंट्स, वाउल्स, वर्ड क्लासेस, जिस तरह नाउन्स, वर्ब्स हैं ना हमारे पास, ये क्या हैं, वर्ड क्लासेस हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक पूरा सिस्टम दिया, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन दी साउंड्स की। पनीनी के बाद हमारे पास आते हैं सिबावे, ठीक है, ये मिडिल ईस्ट में रहते थे। मिडिल ईस्ट में रहते हुए इन्होंने 760 AD में अरेबिक पे काम किया, ठीक है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, अल किताब फील नौ, द बुक ऑन ग्रामर, और इनको माना जाता है द फर्स्ट नॉन ऑथर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड्स एंड फनीम्स। इन्होंने अरेबिक लैंग्वेज पे काम किया, ठीक है, और साउंड्स को डिफाइन किया एज यूनिट ऑफ लिंग्विस्टिक सिस्टम, कि साउंड्स जो है वो लैंग्वेज सिस्टम का ही हिस्सा है। पनीनी के बाद आते हैं सिबावे। मिडिल ईस्ट में सिबावे ने रहते हुए अरेबिक लैंग्वेज पे काम किया इन 760 AD। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, अल किताब फील नो, द बुक ऑन ग्रामर, ठीक है। सिबावे का काम किस पे था? अरेबिक लैंग्वेज पे, और इनको जाना जाता है द फर्स्ट नॉन ऑथर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड्स एंड फनीम्स,
इन्होंने साउंड्स और फनीम्स पे काम किया, और इसके अलावा इन्होंने ये चीज़ डिफ़ाइन की कि साउंड्स जो हैं वो यूनिट है लिंग्विस्टिक सिस्टम का, मतलब साउंड्स लिंग्विस्टिक सिस्टम का हिस्सा है। जैसे ही ईस्ट में लैंग्वेज पर स्टडीज़ होना स्टार्ट होती हैं, इसी तरह से वेस्टर्न पीपल भी इंटरेस्ट शो करते हैं कि लैंग्वेज पर काम किया जाए। लेकिन अगर उनका अर्ली इंटरेस्ट देखा जाए तो वेस्ट पीपल ने लिंग्विस्टिक की फ़िलासफ़ी पर ज़्यादा काम किया एज़ कम्पेयर टू ग्रामर। ठीक है, लिंग्विस्टिक को फ़िलासफ़िकली उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया था, उसकी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दी थी, ग्रामर पे इतना ज़्यादा काम नहीं किया था। इसके बाद हमारे पास आते हैं प्लेटो। प्लेटो ने सिमेंटिक थ्योरी प्रोवाइड की थी। उन्होंने एक काम किया था क्रेटेलस डायलॉग, जिसके अंदर वो आर्ग्यू करते हैं कि जो वर्ड्स हैं हमारे पास, लफ्ज़ हैं, वो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट बताते हैं। ठीक है, उनके साथ कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ होता है जो कि एटर्नल है। ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में। और ये जो इनका वर्क था उसके अंदर पहली बार जो है एटमोलॉजी का वर्ड यूज़ हुआ था, ठीक है, टू डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड मीनिंग्स। इसके बाद 280 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनके एक सक्सेसर थे जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया में। वहाँ पर डिफरेंट फिलोलॉजिस्ट आए, उन्होंने ग्रीक एंशंट टेक्स्ट जो है वो दूसरे लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। जो ग्रीक स्पीकर्स नहीं थे उनको जो है ग्रीक टेक्स्ट पढ़ाना शुरू किया। और इसी स्कूल के अंदर पहली बार ग्रामर का वर्ड इस्तेमाल किया गया था मॉडर्न सेंस में। प्लेटो ने पहले भी इसको यूज़ किया है, लेकिन प्लेटो ने क्या उसको थोड़ा ओरिजिनल मीनिंग में किया था, जिसके मतलब हैं आर्ट ऑफ राइटिंग। और ये जो आर्ट ऑफ राइटिंग है वो टाइटल भी रह चुका है किसी एक वर्क का जो लिखा गया था डायनेसिस थ्रेक्स ने। तो थ्रू आउट मिडिल एजेस फिलोलॉजी पे काम किया गया, ठीक है, एंशंट लैंग्वेजेस और टेक्स्ट को स्टडी किया गया, और डिफरेंट एजुकेटर्स जो कि टीचर्स हैं उन्होंने एंशंट टेक्स्ट पर फोकस किया, जैसे कि रोगर एस्चम हैं, वॉल्फगैंग रेटके, जॉन एमस कॉमेनियस। और सेकंड लिंग्विस्टिक स्कूल ऑफ थॉट इज हिस्टोरिसिज्म। अब हिस्टोरिसिज्म क्या है, कब स्टार्ट होता है? 18th century में फर्स्ट टाइम कंपैरेटिव मेथड यूज़ किया गया था, ठीक है, जो कि विलियम जॉन्स ने किया। विलियम जॉन्स ने कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स पर काम किया। इसमें क्या होता है, हम लोगों ने पहले इस चीज़ को डिस्कस किया है, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स में हम लोग बेसिकली डिफरेंट लैंग्वेजेस को आपस में कंपेयर करते हैं, उनकी सिमिलरिटीज़ डिससिमिलरिटीज़ देखते हैं। विलियम जॉन्स के बाद भी काफ़ी सारे ऑथर्स ने डिफरेंट लैंग्वेजेस को लेकर स्टडी की, ठीक है, यूरोप में जो डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स एग्जिस्ट करते थे उनके बारे में कंपैरेटिव स्टडी की गई। पहले इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस पे काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया गया, उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। इसके बाद जो है विलियम वॉन हम्बोल्ट जो है उन्होंने लैंग्वेज इन जनरल, ठीक है, लैंग्वेज जनरल जो लैंग्वेजेस हमारे पास हैं उन पे भी काम करना शुरू किया। इस चीज़ को ब्लूमफील्ड ने भी हाईलाइट किया था कि जो विलियम वॉन हम्बोल्ट हैं उन्होंने एक अपना फर्स्ट वॉल्यूम जो है कवि के नाम से लिखा था, ठीक है, जिसमें क्या था लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ जावा, इसको एंटाइटल किया जाता है ऑन द वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज एंड इट्स इन्फ्लुएंस अपॉन द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। इस सब्जेक्ट पे उन्होंने काम किया था जिसमें उन्होंने लैंग्वेज को इन जनरल डिस्कस किया। उसमें उन्होंने ह्यूमन लैंग्वेज की वैरायटी, स्ट्रक्चर और उसका क्या इन्फ्लुएंस है हमारी मेंटल डेवलपमेंट पे, उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। मूविंग टूवर्ड्स अ नेक्स्ट लिंग्विस्टिक स्कूल ऑफ थाट, दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म हमारे पास 20th century में आता है, जो कि फर्डिनेंड डे सेशोर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें उन्होंने लैंग्वेज के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, जैसे उन्होंने डायक्रोनिक, सिंक्रोनिक, इनके बारे में बताया, ठीक है। हमारे पास डायक्रोनिक क्या होता है, लैंग्वेज स्टडी होती है थ्रू आउट टाइम, थ्रू आउट हिस्ट्री। और सिंक्रोनिक क्या होता है, जिसमें हम लोग लैंग्वेज को प्रेजेंट लेवल पे देखते हैं, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं। और इसके अलावा इन्होंने ही जो है मॉडर्न डिसिप्लिन ऑफ लिंग्विस्टिक्स का फाउंडेशन डाला था। इसके अलावा भी सेशोर ने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स दिए थे, जैसे सिंटैग्मैटिक और पैराडिग्मैटिक, ठीक है। सिंटैग्मैटिक में क्या होता है, इसके अंदर है कॉम्बिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स, इन पर स्टडी की जाती है। पैराडिग्मैटिक में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स, इसको हम लोग आगे लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं।
इसके बाद हमारे पास है लैंग पैरोल, ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट उन्होंने प्रोवाइड किया। लैंग क्या होता है? जनरल नॉलेज अबाउट द लैंग्वेज, ठीक है, जो कि हर एक स्पीकर के लिए सेम होती है। और पैरोल क्या होता है? ये इंडिविजुअल्स नॉलेज होती है, ठीक है, किसी भी स्पीकर के पास जो इंडिविजुअल नॉलेज होती है लैंग्वेज के बारे में, इसको पैरोल कहा जाता है, जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। इसको भी हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव जनरेटिविज़म। 20th सेंचुरी के लास्ट में हमारे पास नॉम चॉम्स्की एक लिंग्विस्ट हैं जो कि जनरेटिविज़म का एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, ठीक है। अब चॉम्स्की का क्या मानना है, उन्होंने वर्क किया था लैंग्वेज एक्विजिशन पे, ठीक है। बायोलॉजिकली उन्होंने देखा था कि एक इंसान लैंग्वेज को किस तरह से एक्वायर करता है, किस तरीके से सीखता है। नॉम चॉम्स्की ने एक कॉन्सेप्ट दिया था यूनिवर्सल ग्रामर का। यूनिवर्सल ग्रामर क्या है? सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, जो कि हर एक ह्यूमन लैंग्वेज के लिए सेम है। और इसके अलावा चॉम्स्की का ये भी मानना था कि इंसानों के पास एक इनेट फैकल्टी है, ठीक है, एक जो है पैदा होते ही उनके पास एक उनके माइंड में सिस्टम मौजूद है जिसकी मदद से वो लैंग्वेज को सीखता है। नॉम चॉम्स्की ने जनरेटिव ग्रामर के कुछ रूल्स भी दिए थे 1950s में, जिनमें उन्होंने टेक्निकल अगर सेंस में उसको लिया जाए तो वो कुछ रूल्स बताते हैं लैंग्वेज के, कि एक लैंग्वेज सिस्टम के साथ रूल्स लगे हुए होते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ थेरेटिकल और मैथडोलॉजिकल अजम्पशंस भी दिए थे लैंग्वेज स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो यूनिवर्सल ग्रामर है वो लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये नॉलेज होगी तभी एक इंसान जो है प्रॉपरली लैंग्वेज को बोल पाएगा, अक्वायर कर पाएगा। और नेक्स्ट लिंग्विस्टिक स्कूल ऑफ थॉट इज़ फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म में हम लोग वो फंक्शनल थियोरीज देखते हैं लैंग्वेज की, जो हमें बताती हैं कि एक इंसान लैंग्वेज को किस तरह इस्तेमाल करता है कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, कोई रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, मूड कन्वे करने के लिए, ठीक है। लैंग्वेज हमेशा जब बोली जाती है तो वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। फंक्शनलिज्म में जो हमारे पास फंक्शनल थियोरीज आ जाती है, उनका मेन फोकस होता है कि लैंग्वेज को यूज़ किस तरह किया जा रहा है, उसके एक्चुअल यूज़ देखा जाता है कि लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई फंक्शन परफॉर्म हो, और ये हर एक लेवल को डिस्कस करती है। लैंग्वेज के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे हमारे पास फोनोलॉजिकल फंक्शन है, ठीक है, जो कि फोनीम्स को देखती है कि फोनीम्स का क्या फंक्शन है। सिमेंटिक फंक्शन, जिसके अंदर हम लोग एजेंट, पेशेंट, रिसिपिएंट, इसमें हम लोग देखते हैं कि रोल क्या है पार्टिसिपेंट का। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंटैक्टिक फंक्शंस। सिंटैक्टिक फंक्शंस में हम लोग स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, ठीक है, जो भी हम बातचीत कर रहे हैं लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पे फोकस किया जाता है, जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को स्टडी किया जाता है। इसके बाद हमारे पास है प्रैग्मेटिक फंक्शंस, जिसमें थीम, रीम, टॉपिक, फोकस, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, मतलब प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है लैंग्वेज का। ये हमारे पास जो लैंग्वेज के कुछ फंक्शंस हैं, जिसमें फोनोलॉजिकल फंक्शन, सिमेंटिक फंक्शन, सिंटैक्टिक फंक्शन, प्रैग्मेटिक फंक्शन, ये चारों मिला के लैंग्वेज के फंक्शन को डिफाइन करती हैं। एट लास्ट वी हैव कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स। कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स 1970s और 1980s के दरमियान में आई, और ये जो है जनरेटिविस्ट थ्योरी के रिएक्शन में दी गई थी, ठीक है। रोनाल्ड लैंकेकर और जॉर्ज लैकॉफ, इन्होंने कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स को प्रपोज किया था। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर इनका मानना होता है कि जो लैंग्वेज सीखी जाती है उसमें सिर्फ हमारे पास ग्रामेटिकल रूल्स ही काफ़ी नहीं होते, वो कम्युनिकेशन के थ्रू आती है, ठीक है। जब लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसी से कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। जबकि जनरेटिविस्ट जो है उनका क्या बिलीव था, नॉम चॉम्स्की का क्या बिलीव था कि एक यूनिवर्सल ग्रामर है, ठीक है, जिसके थ्रू लैंग्वेज सीखी जा रही है। तो ये इस तरह से इनका आइडियाज़ एक दूसरे से अपोज करते हैं। कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स में बेसिकली ब्रेन और लैंग्वेज का आपस में रिलेशनशिप बताया जा रहा है कि लैंग्वेज जो है वो किस तरीके से अक्वायर की जा रही है, किस तरह से लैंग्वेज नॉलेज हमारे ब्रेन में स्टोर हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, फिर हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स में। तो कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स का मेन फोकस यही है
कि हमारे माइंड के अंदर किस तरह से मीनिंग्स प्रोड्यूस हो रही हैं, हम लैंग्वेज को यूज़ करते हुए किस तरह से मीनिंग्स क्रिएट कर रहे हैं माइंड में. सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज़ लेसन. इफ़ यू रियली लर्न समथिंग, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.